बना मौला मैं भटकी हूँ तेरी राह से
मौला मैं भटकी हूँ गुनाहों से, मुझे तोरा पिला मौला, गुनाहों से बचा मौला, मुझे अपना बना मौला, मैं भटकी हूँ तेरी राह से, मुझे तोरा पिला मौला, मैं गाफिल हूँ कई बरसों से तेरी याद से अल्लाह, तू कैसे कर अता मुझको उसके लाइला मौला, मैं गाफिल हूँ कई बरसों से तेरी याद से मौला, तुझे से कर अता मुझको उसके लाइला मौला, मैं भटकी हूँ तेरी राह से, मुझे तोरा पिला मौला, मैं कितनी खामियां मुझ में, तुझे सब खैर है ना, है कितनी खामियां मुझ में, तुझे तो सब खैर है ना, मेरी खामी का जो खूबी से बदल कर अता कर दे, गुनाहों से बचा मौला, मुझे अपना बना मौला, मैं भटकी हूँ तेरी राह से, मुझे तोरा पिला मौला, नहीं आता तरीका मुझको तुझसे, मांगू मैं कैसे, मेरे अल्लाह तू बिन मांगे अता कर दे मुझे मौला, गुनाहों से बचा मौला, मुझे अपना बना मौला, मैं भटकी हूँ तेरी राह से, मुझे तूरा पिला। आपकी एनएसएस थाली सीखे आप लोग? हाँ, मैं शुक्र गुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल सर का और हमारे आयशा मैडम का और हमारे सरपंच का। उनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांववालों को सिखाने का मौका मिला।
कि साफ सफाई कैसे रखी जाती है, स्किल्स क्या क्या है। उधर मैडम आए जाके बच्चा लेके उधर। हां मैडम आए। हां लेफ्ट लेफ्ट स्किल्स क्या क्या है वगैरह। और क्या है हमारे गांव में, मैं भी एक गांव का मेंबर ही हूं। मैं भी एक गांव का मेंबर ही हूँ। मैं सिखाना चाहता हूँ कि मेरे गांव वालों को कि कई गांव वाले क्या करते हैं, जमीना बेच दे रहे कंपनियों में या शहरों में काम करने चल जा रहे हैं, पर एग्रीकल्चर वो है जो जिसमें हम बिजनेस से ज्यादा कमा सकते हैं। रंग देना ये तो हमारी बात किसान दोस्तों को मैं ये समझाना चाहूँ कि सिर्फ कंपनी में जाने से या और बिजनेस करने से आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून जब मिलेगा कि आप एक अस्सी जनों का पेट भरो। बिजनेस से तो सिर्फ अपना पेट भरा जा सकता। बिजनेस से तो अपना पेट भरा जाता, पर किसान क्या है, 80 जनों का पेट भरा जाता। किसान एक किसान अरे बोल रहे भाई मैडम के बगल में वीडियो चल रहा भाई बैठ जाओ। तो आप चल रहा बात करते रहो तुम गाड़ी भरी तो किसान बनना अच्छा है, बिजनेसमैन बनना अच्छा है। किसान बनना अच्छा है वही कि मेरे गांव वालों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बिजनेस से अच्छा खेती करना है। और कई लोग क्या है, खेती करने में भी लॉस हो रहा है, उनके खेत बेच दे रहे। खेत बेचने के चक्कर में क्या हुआ, पॉल्यूशन ज्यादा हो जा रहा, जैसे एग्रीकल्चर कम हो रहा वहाँ इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन वगैरह हो जा रही। उसमें क्या है, जो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के पास जो छाड़ा वगैरह रहते ना वो कट कर दे रहे, इंडस्ट्रीज वगैरह बना रहे हो। इसलिए क्या पॉल्यूशन भी क्या हो रहा, कम हो जा रहा, खेती भी कम हो जा रही। इसलिए क्या पॉल्यूशन ज्यादा हो जा रहा, तो इसलिए क्या है, खेती कम होने से पॉल्यूशन ज्यादा हो जा रहा। और हर आज अनाज, पहले क्या है, पहले जमाने में अनाज बहुत सस्ता था, आज के जमाने में बहुत महंगा है। वजह ये है आपके सामने एनएसएस के बारे में मेरी ये राय कि गाँव वालों को क्या है, उतना समझा नहीं सकते हो। अगर हम करके बताएंगे तो वो समझ जाए। एनएसएस का मेरे को ये पर्पस बहुत अच्छा लगा। अलहमदिल्ला मैं अलविदा कहता हूँ। देखिए अभी ये जो इनॉग्रल सेशन है, अभी सब लोग बात करेंगे, मदर मैडम रोकेंगे, आपके बाकी के प्रोग्राम मदर मैडम के साथ कंटिन्यू होंगे। मैं विजय सर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों को तो नसीहत करें क्या आपके पास। How we are going to serve this area, right? And what symbol of NSS? What is the symbol of NSS? Nothing.
सिंबल से जो कोना रद्द था ना याद होगा, क्योंकि आप यहाँ तक रुकना चाह रहे हैं तो नो बॉर्डर फिर आई हैव चांसेस टू गो विद एनआईएस नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो दिल्ली में होता है इज इक्वल टू नेशनल लेवल प्रोग्राम होता है वहां तक जाना है तो आपको एनएसएस का मैनुअल मिलेगा आपको मैं आप पढ़ लीजिए मैनुअल जो 164 पेजेस का मैनुअल है उसमें कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है व्हाई आई एम सेइंग आफ्टर कंप्लीटिंग एनएसएस इफ यू क्रॉस स्टेट यू लुक फॉर आपको पीजी में लो मेरे लिए आपके लिए ये 1969 में ये मोटो निकाला है यदि आप मोटो पर हमारा जो पहला पर मोटो पहला पर जीसस क्राइस्ट क्या बोले क्योंकि वर्ड्स में इन इस बुक ही सेड दैट सन ऑफ मैन और प्रॉफेट नॉट इज हियर ऑन द अर्थ टू बी सर्व्ड बट टू सर्व समझे बात ये पैगंबर जितने पैगंबर आए नबी तक देखा तो क्या दे केम हियर ऑन दिस अर्थ नॉट टू बी सर्व्ड सेवा करने के कराने के लिए है ना सेवा करने के लिए किताब पहले लिखा है वही उम्र के लोग यहाँ पर अब्राहम रिलीजन में एंड इवन हिंदू से भी अच्छा वर्ड है मानव सेवा है मानव सेवा कुछ माधव कुछ बात डोंट लिख माधव इज कृष्णा लॉर्ड नो माधव इज गॉड जस्ट गॉड थैंक गॉड मानव सेवा ये गॉड्स वर्क हमारे जो नेबर जो है तकलीफ में है हमारे जो नेबर जो है परेशान में है सोसाइटी प्रॉब्लमेटिक में है हमारा रोल है कि उनको गाइडेंस बताना है दैट इज व्हाई यू आर इन जरवा डिग्री कॉलेज इसलिए है कि थोड़ा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा जानकारी आपका जानकारी आपका इंटेलेक्ट आपका फिजिकल में क्या प्रॉब्लम डिफरेंसेस पूछेगा कि पूरा किताब में लिखा है तो मैंने से बात करनी है देन टू स्टार्ट वर्किंग विद द सोसाइटी जो हमारे जो नबी जो काम करे आप कर सकते हैं हमारा जो नबी है क्राइस्ट हो जीसस हो और अस हमारे हिंदू में जितने भी गुरुज भी आए थे इसलिए आए पर इससे शो होना था देयर वाज अ प्रॉब्लम सोसाइटी है ना प्रॉब्लम्स थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही आया वही देखो यू हैव अ मैसेज फ्रॉम योर बुक दैट यू गो विजिट द विलेज अडॉप्ट इट नो द प्रॉब्लम रियलाइज द प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम गेट द रिपोर्ट बैक एंड सबमिट टू प्रिंसिपल दिस इज द ड्यूटी ऑफ टू एंटरटेनमेंट बिफोर 9 एंटरटेनमेंट आफ्टर 5 9 टू 5 यू शुड बी द Where? Society. Atmosphere. Feel atmosphere. Itna achha hai jaan ko. You can see different birds here. Different water levels here. Different of landforms. And different kinds of people. Some people may accept you. Some people may reject you. Accept the joy. Karte na. Those are not important. The reject kare jaan ko. Those people are very important to you. So, present the college. Motto of the NSS to the society or your OTB village. Realize the problems. Try to solve at least one or two problems with a report. Submit it.
एंड बी हेल्दी ड्रिंक वाटर फुल स्लीप वेल थिंक वेल एंड थॉटफुली वर्क इन सोसाइटी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपका भी इंशाल्लाह जरूर साथे से बताएं तमाम बातें काम अंजाम देंगे क्योंकि गांव में क्या मसाइल है गांव के क्या प्रॉब्लम्स हैं ये तमाम इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो भी है ये जो है ना सरपंच साहब के सामने लाना जरूरी है और साथ साथ में प्रिंसिपल साहब को भी एक पूरा बना के पूरा जितना भी डाटा बना के कलेक्ट करके वो डाटा को आगे में एनालाइज करके सबको हम दे देंगे इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर विजय सागर सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं असल एनएसएस मोटो ये है नॉट मी बट है ना ये गांव वालों के लिए है ये उनकी खिदमत है और हिंदी में से कहते हैं स्वयं से पहले आप तो ये बहुत अच्छा काम है ये खिदमत खल्क का जज्बा जो है ना हर पैगंबर ने सही बताया सर आपने हर पैगंबर ने कहा है इस बारे में हर पैगंबर की हिदायतें हैं ये और ये शुरू से इतना से चली आ रही है राजेंद्र सर को दावत देती हूँ जो अपने फैलो कैसा तो आप सबका मूर्ति भी विंटर एनएसएस कैंप में स्वागत तो ये एक्चुअली क्या हुआ था गांधी जी है जो इसके पीछे कैडियोलॉजी इसके पीछे से आप सुने होंगे आज का जो लड़का है आज का बच्चा है सो कल का नेता और गांधी जी बोलते थे कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ पे बसती गांव में बसती क्योंकि हमारे पास शहर में रहने वाली जो आबादी बहुत कम आबादी तो हमारा जो यूथ है हमारा जो नौजवान है पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो जिसको बोल सकते हैं कि जिम्मेदारियां हैं सामाजिक जिम्मेदारी है राजनीतिक जिम्मेदारियां है उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि वो ऐसा अपने देश की भलाई के लिए अपना स्वेच्छा से खुद से वॉलंटरी वैसे कुछ ऐसा उसका बोल सकते हैं कि हम लोग योगदान दें तो एनएसएस जो स्कीम है उसी के बिना पर इसको शुरू कर देते हैं उसमें होता है कि नॉट मी बट यू क्योंकि अगर हमारा एनवायरमेंट अच्छा रहेगा हमारे आबोहवा अच्छी रहेगी तो हमारा जो आने वाला जो भविष्य वो भी ऐसा स्वस्थ और सुंदर रहेगा और एनएसएस कैंप में आपको ऐसा यहाँ पर मतलब सुभाष चंद्र बोस नेहरू वगैरह ऐसे बैचेस रहते हैं बैच वाले क्या करते हैं रूटीन में काम करते हैं मतलब गांधी जी की अभी एक थे नई तालीम बोलकर एक स्कीम थी नई तालीम में क्या था स्किल्स डेवलप करने का हम लोग अब सुनते ना वो लोग एक्चुअली क्या होता है अपने जो गवर्नमेंट है उसको फिर से रिवाइव कर देते और स्किल बेस्ड जो यूथ है उसको तैयार करने की मुहिम चल रही है हमारे पास पूरे बच्चे टैलेंटेड है इसमें कोई दो राय नहीं है और हमारा जो आईक्यू है दूसरे दुनिया के बच्चों से ज्यादा आईक्यू लेवल हमारा अच्छा है पर हमारे पास क्या है कुछ मतलब हमारे पास उसको एक्सपोजर वगैरह नहीं मिलता एनएसएस के माध्यम से आपको एक्सपोजर मिलता आप जाइए जाके ऐसे गांव का मुआयना करिए वहां पर ऐसा आपको देखिए लोकेट करिए कि ये लोग ऐसे डेवलपमेंट में अच्छा है क्या है मान लिया एक बार हम लोग गए थे गाँव में तो वहां का जो सरपंच था उस सरपंच की जिम्मेदारी क्या थी गांव का हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए तो जबरदस्ती लड़कियों को सबको क्या करता था गांव से निकलने वाले पूरे ऐसे ऑटो पे घर से जाकर कलेक्ट करता था बच्चे तैयार लेकर सुबह उनकी वही ड्यूटी रहती थी और पूरे बच्चों को ऐसे जहराबाद में आने के बाद फिर वो पूरे बच्चे कॉलेज में या नहीं तो स्कूल में गए या नहीं वो चेक करते थे फिर शाम में सब बच्चे पहुंचने वो जिम्मेदारी थी मुझे अच्छा लगा था और गाँव में पूरा प्लांटेशन वगैरह हर चीज सिस्टमेटिक था और वो लोग क्या कर रहे थे मतलब जो हमारे पास जो सामाजिक बुराई है जैसे अभी एक लड़का बताया था कि है ना यहाँ पर माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है यहाँ के लोग ऐसे शहर की तरफ जा रहे उसकी क्या वजह हो सकती है ना पैसा नहीं है कुछ वजह है मतलब लोग क्या कर रहे हैं अपने जमीन से ऐसे दूर चले जा रहे तो उनमें जो मेंटल इम्बेलेंस है उसको आप बिल्ड करने की कोशिश करना उनका जो इकोनॉमिक पोजिशन आप जैसे गरीब लोग है आप स्लम्स में वगैरह जाएंगे वहां पर जो हेल्थ है जिनके बारे में बात करना वहां पर एजुकेशन के बारे में करना क्योंकि अभी ऐसा हमारे पास सब लड़कियों का कैप है आपको मालूम है लगभग ऐसा अगर हम लोग खोलेंगे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 135 करोड़ और हम लोग मतलब बोल सकते हैं बड़े गर्व के साथ बोल सकते हैं कि उसकी आधी आबादी किसकी है लड़कियों की है ना
तो ये आप है सो आपकी जो यहाँ की जो महिलाएं वगैरह लड़कियां हैं उन्हें आप अवेयरनेस लेकर आइए कि हम लोग अच्छे भारत का निर्माण कैसे कर सकते हैं, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इस बीच में हम लोग देख रहे हैं मतलब आने वाले महीने में ये महीने में आपको रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो बहुत सी जो बुराइयां हैं उन हम लोग कैसे आप बाहर आ सकते हैं, हम अच्छे एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट अच्छा जिसको बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सोशली हम लोग कैसे मजबूत बनकर ऐसा हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। हमारे पास क्योंकि पर्सन देखे ना कोविड था, कोविड में हम लोग ऐसे वो लोग बोल रहे थे पूरे अमेरिका के वगैरह जितने भी बड़े बड़े जो एनालिस्ट थे बोल रहे थे कि है ना इंडिया की पॉपुलेशन ऐसा आधी खत्म हो जाती बोले, पर ऊपर वाले का ऐसा और हमारे लोगों की युक्ति थी, हमारे लोग अच्छे अच्छा थे, हम लोग क्या करें उससे अपने आप को बचा लिया है ना, प्रिवेंशन हम लोग मेजर ज्यादा लिए, हम लोग ऐसा बिना मतलब जितने भी एहतियात थे हम लोग उसको बरते, इसकी वजह से क्या हुआ ज्यादा पेंडेमिक स्प्रेड नहीं हुआ, हमारे पॉपुलेशन में से कम नहीं, हमारे लोग ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं है ना, तो ऐसे अवेयरनेस हम लोग लेकर आ सकते हैं, पढ़ाई के माध्यम से हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं। आपके गाँव में अगर समझ लो यहाँ की कोई अच्छी चीज है आपके गाँव में उसको इम्प्लीमेंट करो, यहाँ के अगर बच्चे पढ़े सब मेडिसिन पढ़े सर, यहाँ के मैनेजमेंट पढ़े वाले बच्चे कोई लॉ पढ़े से बच्चे, देखो मेरे हमारे गांव में ऐसे बच्चे हम लोग मतलब इनका अगर समझ लो जैसे बोल सकते हैं कि ना यहाँ के अगर मान लो इस गांव में अगर आपको 10 इंजीनियर बच्चे मिलते तो यहाँ की शैली कैसी है, हमारे गाँव में इंजीनियर क्यों नहीं हो सकते, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते, हमारे यहाँ की लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ सकती, ये सारी चीजें मैं ले जाकर आपके गाँव में स्प्रेड करना आपके पेरेंट्स को वगैरह। अब ये जो आप स्लम्स वगैरह जाएंगे वहाँ पर आपको देखेंगे कि ना बहुत से लोग जो जिसको व्यसन बोलते हैं बुरी लत रहती ना आदतें वगैरह उसमें वो लोग ये लिप्त रहते हैं, उनसे दूर निकालने के लिए अंधविश्वास है, ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग एक स्वस्थ समाज के निर्माण में आपका पे बैक टू सोसाइटी वाला ऐसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है, हम लोग कर्जदार नहीं है किसी का है ना, हम लोग अगर समझ लो अगर हमारे दुनिया से अगर विदा होना है तो हम लोग हमारे पास किसी प्रकार का कर्जा नहीं रहना, हमारे जमीन का कर्जा नहीं रहना, हमारे माँ बाप का कर्जा नहीं रहना, हमारे पास है सो किसी का भी कर्जा नहीं रहना, और ये कर्जा है सो फेंकने का आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप एक सोसाइटी कर सकते हैं, आप ऐसे यहाँ पे तब्दीली लेकर छोटी सी मुहिम शुरू करो, एक अच्छी बात है यहाँ पे फैला कर जाओ, एजुकेशन के बारे में लेकर जाओ, अवेयरनेस के बारे में ले जाओ, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में आप लेकर आओ, अगर समझ लो आपका छोटा एफर्ट भी रहा समझ लो तो गाँव में ऐसा बहुत सोचा, आपको मालूम है अगर कोई आई एस वगैरह बनते आई एस जो ऑफिसर बनते ना उनकी ट्रेनिंग के लिए लोग क्या कहाँ पर देते हैं उनको पोस्टी गाँव में देते, वो बोलते कि गाँव के लोगों को सब स्टडी करो उनके मेंटालिटी क्या रहती है उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी स्कीम्स रहते हैं, अगर गाँव वालों को अगर उनको कन्विंस नहीं कर सके समझ लो हमारे ऐसा देश में तब्दीली नहीं आ सकती, गाँव है सो हमारे देश का बुनियाद है, बुनियाद से अगर हमारी नींव अच्छी रहेगी तो हमारी इमारत अच्छी बनेगी, तो अच्छी नींव बनाने के लिए आप है सो थोड़ा अपना एफर्ट लगाइए, थोड़ी ऐसा सहयोग दीजिए, और मैं आप सबको मेरी दुआएं मेरे आपके साथ है, धन्यवाद। Good afternoon, our respected principal sir, and our colleagues, Rajendra sir, Vidya Sahar sir, and the NSS program officer, Dr. Aisha Raghav madam, and my dear students, today we are organizing this inauguration day of NSS Unit 2, Girls. This is organized in this village, OTP. Really, I appreciate the program officer, madam, and the students, girl students, particularly coming over here and participating in this one-day camp here. Really, I appreciate you because I know the pros and cons and the problems that we come across for these weekdays. Madam also came all over from the home for 1 week, leaving her family and children. You also come over here by leaving behind your family at home and your children, your parents and all your brothers and sisters. Really, you should, I will appreciate once again. But the thing is here,
NSS, as you know very well, it was started in 1969 and 24 September 1969, because 1869 was the birth year of Mahatma Gandhiji. So and after 100 years, 1969, it was started, and it is running under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. And you know, it was actually started in 37 universities only, some 2000 students something, they volunteers only with that. Now it has spread over more than 200 universities and more than 20 lakh students were enrolled in this. In crores. So anyhow, now this we are working under Kusuma City NSS program officer and a program coordinator. We call NSS coordinator of Kusuma City. So anyhow, this actually the purpose of NSS is to create awareness and involve the students in the community development. Main purpose is for the development of the community. So we generally call it as campus to community. Campus is our college, community is this village. So we are all coming, you are all coming over here to do some service without any selfishness. Kuch bhi apne ke liye nahi sochte. You have come over here to do some service without expecting anything from the villagers, from any people. So that's why we should think that the community development, what is the role of our youth? What is the role of our youth in this community development? That is very important. So you have to work for the development of this community by adopting some villages. So this time, Aisha Madam and you, Unit 2 has adopted this OTP. So like that, every year we keep on adopting the different villages for the creating awareness, doing some clean and green services, health and hygiene, or bringing awareness about the what you call superstitions, जो अंधविश्वास है, इसके बारे में भी गांव वालों से बात करना, health and hygiene के बारे में और education के बारे में, literacy के बारे में, ऐसे बहुत चीज रहते हैं, उसके बारे में awareness create करना है और एक one week में पूरा हर room को जाकर और awareness करना है, teams बना लेना है और एक डाटा भी लेना है, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग का कोई डिसीजेस है, डॉक्टर के लिए जा रहे हैं, कोई ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, उनका एडवाइज कर सकते हैं, वो सब बहुत करें, बिकॉज आई एम आल्सो एनएसएस वाइबर एज ए स्टूडेंट, सो आई आल्सो आई वाज अ प्रोग्राम ऑफिसर फॉर 10 कैंप्स आर कंडक्टेड एनएसएस एटलीस्ट 10 एनएसएस कैंप्स इन वेरियस विलेजेस इन जूनियर कॉलेज लेवल एंड डिग्री कॉलेज. सो दैट्स व्हाट आई नो योर प्रॉब्लम्स, आई नो द इम्पोर्टेंस, एंड ऑल्सो यू डेवलप personality development will be there through community service. So you can develop your personal development. You will lose, you can come over here and speak. Your stage fear will also be lost. You cannot be, once you go to your college, then you become free. You can speak like an electrical, become eloquent speaker. So it's a personal development. Kaisa logon se kaisa mingle ke rehna, kaisa adjust ho jana, how to behave, how to share this information, how to behave, what to do, all things you learn. So that is important. Particularly, generally, previously only bias camps used to be there. Now, last 15-20 years back, girls youth also started. Now you learn so many things. Your speakers will come and they share your experiences. You can also come over here, speak your opinion, what are the work you have done, OBB forum, bata do. You give that every information to our madam program coordinator, and also you do some work and expect you will come out with flying colors and bring good name to college and NSS. Thank you. Anna. Thank you, sir. Thank you. Aap sabko maloom hai, sir. Sir also NSS coordinator. He was NSS coordinator and he served so many years as the NSS coordinator. Sir ne jo bataya aapko, wo sahi hai bilkul. कि आप लोगों के लिए सीखने का मौका है, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं बाकी में. और हमारे पास अभी हमारे होती भी गांव के सरपंच साहब हैं, जनाब परवेश साहब. मैं आपका हृदय से शुरुआत करती हूँ सर. मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी साहब को दावत देती हूँ कि वो अपने ख्यालात जरिए ख्यालात का इजहार करें.
सरपंच साहब होती भी गाँव और आरएसए लेक्चरर्स और अजीज एनएसएस वॉलंटियर्स। देखिए आप लोग कुर्बानी निकाले जहीराबाद से बतौर मेजबान या मेहमान होती भी को आए हैं और आपको अंदाजा होना चाहिए कि कॉलेज में 800 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं 800, उसमें से आप सिलेक्टेड 40 ये 50 वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुंचे, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप कीमती है कॉलेज के लिए, आप कीमती है इस एनएसएस कैंप के लिए। अब अगले 5 दिन तक आप एनएसएस वॉलंटियर है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद एनएसएस कैंप 2 के। मुबारकबाद आपके कैंप ऑफिसर आयशा मैडम को कि उन्होंने हौसले और हिम्मत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हाँ हम कैंप के लिए जाएंगे और टाइमिंग्स के बारे में भी अंदाजा है कि बीच में रमजान के भी 2 दिन आएंगे, तो बहरहाल एनएसएस कैंप शुरू होगा। यहाँ से आपका वक्त बहुत कीमती है, कल शाम में आए थे आप लोग और आज शाम तक 24 घंटे आपके हो जाएंगे। तो एनएसएस की जैसी बात चली है कि थर्ड नॉट मी बट यू, तो यहाँ पर जो है नेशनल सर्विस स्कीम होमी खिदमत की जो स्कीम के तहत आप लोग यहाँ आए हैं, तो सबसे पहली चीज सीखना है आपको सेल्फ डिसिप्लिन, क्या सीखना है हाँ, और उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी, जैसे ही कोई प्रॉब्लम दिखा उसका सॉल्यूशन देख के फौरी आगे बढ़ना चाहिए। मैं आने के बाद बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, दस्तखत बिछाइए, खाना निकालिए, पानी कहाँ है, लेकिन आप लोग काम भी कर रहे थे, कुछ लोग वहां बर्तन धो लिए, बच्चे फौरी दस्तखत निकाले, तो इस कैंप में आपको अपनी खिदमत भी सही तरीके से करना सीखना है। ये 40 लोग हैं, गर्ल्स हैं, आपको शहर के दरबार से अपनी हिफाजत करना है, नींद का ख्याल रखना है, टाइम टेबल की पाबंदी करना। तो मैं आयशा मैडम से गुजारिश करता हूँ कि एनएसएस क्या जो चलाते हैं या तो रात में सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल बना लेना चाहिए कि सुबह में कौन नाश्ता बनाएगा, क्या करेगा, सुबह उठने का टाइम क्या है, बाथरूम जाना है तो कैसे है, पानी का इंतजाम क्या है, अगर करंट नहीं है पानी नहीं है तो सरपंच साहब को कैसे वो करना है, उसके बाद नाश्ता, नाश्ते के बाद अगर धूप है बाहर गांव में नहीं जा सकते तो यहाँ पर आपका एक्टिविटी बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई इधर कोई इधर कोई इधर फोन में बस पैसा नहीं, कोई भी बाहर का आदमी आए तो डिसिप्लिन का मुजाहरा होना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के बच्चे जो एनएसएस कैंप 2 में आए हैं 10 खासतौर से बहुत ही डिसिप्लिन है। फिर आपका लंच हो गया, कुछ सीखना सिखाना है तो सब्जेक्ट से मुताल्लिक बात है, एनएसएस क्या है, शाम में 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपका गाँव के लिए वक्त होना चाहिए। तो आप प्लान कीजिए कि जैसे सर्वे कहा गया कि रोजाना शाम में 6 बजे से या 5:30 से 7 बजे तक भी आप गौ वालों को यहाँ लगा बुला के मुख्तलिफ प्रोग्राम कीजिए अवेयरनेस के, जैसे आप कुछ पढ़ना चाह रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, बैंकिंग सर्विस क्या होती है, गूगल पे क्या है, एटीएम क्या है, जो खिदमात आप चल रही है उसके लिए कितना अवेयरनेस है, फिर गाँव वालों के लिए गवर्नमेंट की स्कीम होती है डोगरा है और कुछ भी है। इसके अलावा तालीम के अतबार से अगर कोई गांव वाले नहीं पढ़ रहे हैं, खेती बाड़ी में लग गए हैं, तो तालीम में बालिगान की अरमान से आप उनको यहाँ बुलाकर कम से कम अक्षरा आ आ ई सिखा रहे, बात करना सिखा रहे, कुछ अहम बातें सिखा रहे, तो आप ये शेड्यूलिंग करना है तो आपका यहाँ क्याम कीमती है, आपको डिसिप्लिन से रहना है और अपना डिसिप्लिन गाँव वालों को भी जाहिर करना है। तो एनएसएस क्या जो रियासती सतह पर जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी मरकज है वहां से तमाम डिग्री कॉलेजेस में एनएसएस की यूनिट होते हैं, जो एनएसएस में 3 साल अपना वक्त लगाता है तो उनको एनएसएस का सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये एनएसएस का सर्टिफिकेट आपको अगले एडमिशन के लिए जॉब के लिए भी काम आता है। एनएसएस करने आए बाद आप लोग कॉलेज में बाकी के जितने बच्चे है उनके लिए लीडर होना चाहिए, जैसे हमारे लेक्चरर्स बोलेंगे आपको एक अच्छा मौका मिला शहर से निकल के गांव में आने, यहाँ अच्छी आबो हवा है, यहाँ कुदरती तौर पर गजा आपकी तरकारी वगैरह जो भी है बिल्कुल अच्छी रहेगी, पानी साफ सुथरा है, तो आप लोगों को एक काम भी दे रहा हूँ, मैडम भी बोलेंगे शायद कि आप लोग एक्टिविटी लिखिए रोजाना की बुनियाद पे, 5 दिन की एक्टिविटी जो अच्छा लिखेंगे हम उनको कॉलेज की तरफ से इनाम देंगे, डेली आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है छोटा सा वीडियो बना सकते हैं, गांव में नेचर क्या होता है,
परिंदों का है, छोटा वीडियो बना के डाल सकते हैं। पानी तालाब में है, सफाई भी है, तो यहाँ पर मशीन खरीदता का टैंक भी है, वो टैंक की हिस्ट्री का है, पढ़िए पानी कैसे सरबराह हो रहा गाँव में करंट कैसे है, गैस का क्या मसला है, गाँव वालों को पहले कितनी मुश्किल थी, अब क्या सहूलतें हैं, हुकूमत की स्कीम क्या क्या आई है गाँव में। तो ये जो है आप एक प्लान तरीके से मैडम जो है आपको ये 5 दिन आपको यहाँ रहना है और ये 5 दिन आपकी जिंदगी के यादगार बनाने, कैसे बनाना है, यादगार, हाँ याद आ रहा आपने याद आ रहे ने बिल्कुल आप जहीराबाद में है, पैदल भी जा सकते, कैसे जा सकते, हाँ गाँव के बाहर है, घर से दूर है, सभी फोन है आपके हाथ में, अपने वालिदैन को फोन कर सकते। तो बहरहाल ये एनएसएस कैंप में आप लोग आए, आपको मुबारकबाद, और एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए और जो है यहाँ रहने की कोशिश कीजिए। रमजान आ रहे तो रमजान के टाइम टेबल के दरबार से अपना वक्त गुजारना है, और कुछ भी रहा तो मैडम हमको भी इतना डेली लेक्चर में साथ ही साथ आएंगे और आपको जो है आपके साथ वक्त गुजारेंगे। मैं सरपंच साहब से ख्वाहिश करूँगा कि कल भी जैसे करंट का मसला रहा तो आपने आगे बढ़ के जो है बच्चों की करंट की सहूलत फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। स्कूल के हेडमास्टर से भी करके बच्चों को जो सलाह, और आपके फैमिली में कुछ लेडीज वगैरह भी हैं तो ये बच्चे अपने ही बच्चे हैं समझ के आपके घर के लेडीज को भी यहाँ भेज कर ताकि उनकी हौसला अफजाई हो जाए, तो जो है सीखने सिखाने का माहौल। और गांव में हमारे बच्चे क्या बोल सकते हैं, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप बोलिए। तो ये 4-5 दिन बच्चे आपके मेहमान हैं और जहीराबाद डिग्री कॉलेज से आए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये कैंप कामयाब रहेगा और इस कैंप की हम रिपोर्ट इंशाल्लाह अखबार में भी देंगे। आयशा मैडम को और सभी को मुबारकबाद, शुक्रिया। और खाने का कुकिंग की जिम्मेदारी अलग दे दी और क्लीनिंग की जिम्मेदारी अलग दे दी, अलग अलग डिवाइड कर दिया बच्चों को। आज जो बच्चे पकाए कल जो है ना वॉशिंग कर लेते हैं लोग, कुकिंग नहीं हो पाए, और आज जो बर्तन वगैरह साफ सफाई करिए वो लोग कल पका लेते। तो इस तरह से तमाम एक्टिविटीज वगैरह सब सेट हो रहे हैं सर, ऐसे हो रहा है। और इन लोग को योगा की मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कराते हैं सुबह में फजर की नमाज के बाद। इसके साथ ही हम लोग गाँव में निकल जाते हैं, जाकर गांव में जो है ना खवातीन में शोर बेदारी अवेयरनेस बना है कि तालीम की अहमियत क्या है, लड़कियों की तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत आजकल के दौर में, ये बोलना है, कंट्री में बच्चों की शादी नहीं करना है, बच्चों को पढ़ने का मौका देना है वो भी बोलना है, और गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम आती है जैसे आसरा पेंशन स्कीम है, शादी मुबारक स्कीम है और दीगर बहुत सारी स्कीम आते हैं, बच्चे जो है ना उसका डाटा बना के तैयार रखेंगे, वो लोग जाके बोलने वाले हैं सर। और एक चीज़ क्या है, जैसा कि सभी लेक्चरर्स ने बताया था, सारे आप सभी ने ये एक सर्वे परफॉर्मा दिए हैं एनएसएस वाले, हैदराबाद से ही आया है सर वो सर्वे परफॉर्मा में, ये तमाम चीज़ें कि गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लोग जैसे एम्प्लॉयमेंट रोजगार से हैं और कितने लोग रोजगार बेरोजगार हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनको सहूलियात हैं नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ से ही आया है परफॉर्मा, वो तकरीबन बहुत सारे उसके वो हैं कॉलम्स हैं वो पूरे फिलअप करके ही हमको परफॉर्मा भेजना है, कब तक जब तक क्या खत्म नहीं होता तब तक करके कंप्लीट करके भेजना है ताकि पढ़े लिखे लोग कितने हैं क्या है मालूम करना है। 18 साल की उम्र से लेकर 31 साल की उम्र तक के लोगों का डाटा भेजना है सर। मैं उम्मीद करती हूँ सरपंच साहब भी हमारी रहनुमाई करेंगे और अपने सरपंच साहब के वालिदा साहिबा भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग ने सके हैं, हमदर्द और लमसा पाकिस्तान में मिली थी सर उनसे, इंशाल्लाह कैंप में उनको भी बुलाएंगे, देख रहे उनको भी बुलाएंगे इंशाल्लाह, और लड़कियां जो है ना विजिट करके गांव में हर घर से जो है ना तमाम शोर बेदारी बातें मनानी जो भी है तय करेंगे। मैं उसके बाद अपनी बात को साथ मिलाते हुए अपने सरपंच साहब को दावत देती हूँ तो वो अपनी खैर आज कैसा नमस्कार सरपंच साहब, आयशा मैडम का और प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हमारे गांव को सेलेक्ट करने के लिए, और जो ये बच्चियां आए हुए हैं हमारे गांव को एनएसएफ कैंप के, सेकंड कैंप है ना मैडम, फर्स्ट कैंप आए थे आप 2019 में आए थे, तो जब भी आप लोगों का किरदार बहुत अच्छा था, वो बच्चियों का भी, आप लोगों का भी इंशाल्लाह वही रहेगा, मैं आप लोगों से बहुत तवक्कु रख रहा हूँ। और एक चीज़ आप लोग शाम में 4 बजे तक ही करिए मैडम, कुछ भी करना है गाँव, क्यों बोलते शाम में
अदर कास्ट वाले सब ड्रिंक करके वो ये था, तो मसला मेरे को अच्छा नहीं लगा। सुबह आप लोग 8 बजे से शाम में 5 बजे तक भी अपन करे तो अच्छा रहता वैसा। और कोई चीज की आपको तकलीफ है स्कूल में, कोई प्रॉब्लम है तो मैडम आप फोन कीजिए, इंशाल्लाह प्रिंसिपल साहब भी बोले आपके के प्रिंसिपल सरपंच साहब के कोई मिसेस हुए रहे तो भी आ सकते हैं। मुझे मेरी बेगम भी टीचर थे, इंशाल्लाह मैं कल लेके आता हूँ आप मुझसे मिला। मेरे को इनवाइट करके बात करने के लिए मौका देने के लिए सबके लिए शुक्रिया। क्या है बोलो तुम्हारी तरफ से शुक्रिया। ये प्रोग्राम जारी रहेगा, बदर मैडम आपसे बात करेंगे, हम उधर जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहर शिल्प तशरीफ फरमा प्रिंसिपल साहब एंड वाइस प्रिंसिपल साहब, स्टेट नहीं गांव के सरपंच साहब, स्टेट नहीं है हमारे साथ है असातिज़ा साहिबान और हमारे आयशा मैडम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हम लोग आज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस कैंप को कामयाब बनाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैं इस गांव का हूं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का साथ दूंगा और आपके साथ ही हमारे गांव को और ज्यादा खुशहाल और सेहतमंद बनाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल साहब और आयशा मैडम और हमारे गाँव के सरपंच साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि हम आपको यहाँ पर गांव में रहने के लिए फैसिलिटीज और बहुत ज्यादा रहनुमाई कर रहे हैं। इतना कहते हुए अपनी जगह थोड़ा सा आए ना, थोड़ा एक आधा घंटा गुजार के आइए, हम लोग निकलते जरा आपके